हेलो, मैं चेतना टिकीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज मैं आपको बी ए थर्ड ईयर का पेपर के बारे में बताऊंगी, कंपोजिशन, जिसमें हम आज आपको गांव का दृश्य बनाना बताएंगे कि किस प्रकार हमें गांव का दृश्य बनाना है, किस प्रकार रंगों को संयोजित करना है। अब आप ये देखें कि ये गांव का दृश्य जिसमें दो महिलाएं पानी का कलश लिए हुए खड़े हैं और उनका वर्ण जो है वो देखें कि पीले के साथ वहाँ हरा रंग का प्रयोग किया गया है और लाल रंग का प्रयोग किया गया है, साथ ही में बैंगनी रंग जो है वो बैकग्राउंड में दिखाया गया है। इसी प्रकार जो अब हम ये दूसरा देखते हैं, इस दृश्य में आप देखें कि ग्रामीण महिलाएं सर पर पानी की कलश लेके जा रही हैं और चाक जो है उस पर बर्तन बना रही हैं। इसमें रंगों का संयोजन पीला, नारंगी और लाल रंग से किया गया है और हाथों में इनमें भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। आप ये देखें कि इसमें जो धरातल है उसको किस ढंग से संयोजित किया गया है, कैसे आगे की पृष्ठभूमि जो है उसमें महिलाएं बनाई गई हैं और पीछे की पृष्ठभूमि में जाते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार अब आप ये देखिए, इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छा चित्रकार ने पीछे पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया है, जिसमें पीछे जाती हुई सड़क हमें दिखाई दे रही है और कैसे बच्चों ने सर के ऊपर टोकरे में कुछ चीज़ रख रखी है, पुरुष ने गट्टा रख रखा है। रंगों का संयोजन इसके अंतर्गत पीला, नीला, हरा, भूरा रंग का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं, इसके अंतर्गत आप देखें कि महिलाएं जो हैं वो दही मथने का काम कर रही हैं और चित्रकार ने एक ही वर्ण संयोजन से पूरा चित्र संयोजित किया है, जिसके अंतर्गत पीला, नारंगी, लाल और भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अब आप ये संयोजन देखिए, जिसमें किस प्रकार झोपड़ियों को संयोजित किया गया है और अग्रगामी और पृष्ठभूमि दोनों ही दिखाए गए हैं। आगे की भूमि खाली दिखाई है और पीछे जाके चित्रकार ने झोपड़ियाँ अंकित की है। अब आप ये देखिए, इसमें कई महिलाएं बनाई गई हैं, सारी महिलाएं अग्रगामी में ही बनी है, पीछे बैकग्राउंड में मकान दिखाया गया है। रंगों का कॉम्बिनेशन आप देखिए, जिस रंग से रंग कंपोज किए गए हैं इसके अंतर्गत, इसी प्रकार ये गांव का दृश्य जिसमें मिट्टी के मकान दिखाया गया है, इसमें चित्रकार ने पीला और भूरा दो ही रंगों का प्रयोग किया है और फिगर्स जो बनाए हैं उसमें इन्होंने नारंगी रंग का भी प्रयोग किया है। आप ये देखिए, ये बड़ा ही कलरफुल है। इसके अंतर्गत पीला, हरा, नीला सारे रंगों के प्रयोग इसके अंतर्गत चित्रकार ने किए हैं और ये बहुत ही चमकदार रंगों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। इसमें आप देखिए, अग्रगामी और पृष्ठभूमि दोनों ही दिखाई गई है। अग्रगामी में किस रंग से लाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर दिखाया है और पीछे जाके चित्रकार ने इसके अंतर्गत मकान जो हट्स हैं वो दिखाई गई हैं। और ये वाला कॉम्पोजिशन देखिए, जिसके अंतर्गत पूरे धरातल पर किस प्रकार रूपाकारों को संयोजित किया गया है और कलर कॉम्बिनेशन में किस प्रकार की टोन्स लगाई गई हैं। इस प्रकार सभी विद्यार्थी इन कंपोजिशंस का अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर ग्रामीण दृश्य बनाएंगे। थैंक यू।